आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब पिछड़ों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पोषण में आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पोषण में आरक्षण बंद करो, बंद करो। यूएस राणा है सर, जैसे मैं देख रहा अखिल भारतीय जो समानता मंच है यहाँ पे आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए और जो आरक्षण की बात की जा रही, तो किन मुद्दों को लेके आप लोग यहाँ एकजुट हुए? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये अखिल भारतीय समानता मंच जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम नागराज जी हैं और ये सभी आपके जो साथ मेरे साथ देख रहे हैं, ये कर्मचारी वर्ग है, सरकारी कर्मचारी वर्ग है, बहुत ही शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन के पक्षधर हैं। इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी अहिंसक और जो किसी हिंसक या प्रदर्शन जो वायलेंस होता है उसके पक्ष में रहता हो। बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, एक बात। दूसरी बात, प्रदर्शन क्यों है? 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण को गैर संवैधानिक बताते हुए उन्होंने एक पक्ष अपना फैसला दिया जो आज तक उत्तराखंड सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। उसके लिए उत्तराखंड में आज लाखों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और वहाँ की जो नवनिर्वाचित विधानसभा है गैरसैंण उसका घेराव कर रहे हैं। मेरे साथ श्री एल डी रामचंद्रानी यहाँ के जो यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो यूनियन है उसके लीडर हैं, सुदर्शना बख्शी भी हैं, हमारे साथ रविंद्र जठेड़ी जो बहुत बड़ा आंदोलन अभी इन्होंने रामलीला मैदान में किया, श्री अजीत सिन्हा जी और संतोष राय जी मेरे साथ, और आइए ये सभी लोग अलग अलग विभागों से जुट कर के यहाँ लोग आए हैं आज जंतर मंतर पर और यहाँ से ज्ञापन देंगे जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापित करेंगे कि इस न्याय की व्यवस्था ने जो व्यवस्था कर्मचारियों के लिए निहित की है उसे लागू किया जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आप भी आए हुए हैं? सर मैं दिल्ली इक्वलिटी फोरम से हूँ और मेरा यही कहना है कि अब भारत सरकार को एक चीज़ गंभीरता से सोचनी पड़ेगी, देश जाति और धर्म की राजनीति से अब नहीं चलेगा, वोट बैंक इससे नहीं चलेगा। अब आप देख रहे हो जैसे अभी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जाति धर्म पे ही आ गया, ये भी कभी जाट कभी कोई समाज कभी कोई समाज आरक्षण को लेकर के रोज आंदोलन कर रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ सरकार को जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए और ये जाति और धर्म से बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए, जाति प्रथा देश में खत्म होनी चाहिए और एक इंसानियत और इंसान के नाम पे और आर्थिक बेस पर आरक्षण है भी तो आर्थिक बेस पे आना चाहिए और जातिगत राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जी रविंद्र जी ठाड़ी, जैसे आप रामलीला मैदान में काफी दिन अनशन पे बैठे रहे और आज फिर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए और जो जातिवाद आरक्षण की आप बात करते हैं कि खत्म होना चाहिए, जाति के नाम से कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कह रहे हैं हम और जो आज अखिल भारतीय समानता मंच द्वारा जो पदोन्नतियों में आरक्षण मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी उसके सम्मान में कार्यक्रम किया है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और देश की सरकार से मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारी संगठनों की जो मांग है या तमाम सहयोगी समर्थकों की जो मांग है सत्याग्रह है उस पर तुरंत अमल कार्रवाई शुरू कर दे सरकार, ये आरक्षण की व्यवस्था को जारी ना रखे सरकार। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, हम उसी सब के खिलाफ हैं। अब तो उत्तराखंड में भी सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो विद अस दैट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन टू गेट द प्रमोशन बिहाफ ऑफ रिजर्वेशन। तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम ए के सिन्हा हैं और मैं अखिल भारतीय समानता मंच का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम इस लड़ाई को करीब 30-32 साल से लड़ते आ रहे हैं, कैट में लड़ा, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, 2 जजेज का 3 जजेज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आया, सारे जजमेंट जो है ना हमारे फेवर में आया और उसकी जो है व्याख्या उन्होंने। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी फेवर में सारे जजमेंट आए मगर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई के बार बार दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है सर, इसका सीधे जो है ना राजनीतिक जो है ना इसका जो है ना दुरुपयोग हो रहा है, सीधे राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और हम ये चाहते हैं
कि जो संविधान की व्याख्या की गई है और उसके अनुसार उसको अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, लेकिन वो वोट की राजनीति के कारण उसको संविधान में अमेंडमेंट लाकर शेड्यूल 9 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 9 में ये मैटर आ ही नहीं सकता है। इसके पहले भी 7 जजेज 9 जजेज के सारे जजमेंट आए हुए हैं, वो सब इसका जो है ना सो एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट में है। और इसके बावजूद भी ये यदि सरकार ऐसी काम करती है तो क्या होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।